हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं विनीता गढ़वाली माँ से आज मैं आपको बताऊंगी स्वादिष्ट पराठा, सॉफ्ट पराठा किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 6 से 7 लिए हैं आलू, जिनको मैंने अच्छे से छील के कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए आप, इसी के साथ साथ मैंने आटा भी गूंथ लिया था। ये देखिए आप, अभी मैं इसमें आधी चम्मच देसी घी ऐड करूँगी और इसको आटे के ऊपर अच्छे से लगाने के बाद मैं इसको अच्छे से गूंथ लूँगी। इससे क्या होगा, हमारा आटा सॉफ्ट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट पराठा हमें बनाना है तो आटा भी सॉफ्ट होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका पराठा जल्दी से नहीं फटेगा और बहुत अच्छा पराठा बनके तैयार होगा। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं मसाले। मसाले में मैंने सबसे पहले ली है अजवाइन और मैंने यहाँ पे ले लिया है अमचूर पाउडर और यहाँ पे ले लिया है मैंने ज़ीरा और 8 से 9 हरी मिर्च मैंने यहाँ पे ली है जो कि तेज है और यहाँ पे लिया है नमक स्वाद अनुसार, ये है धनिया और ये है हरा धनिया जिससे कि कलर बहुत अच्छा आता है और यहाँ पे 4 से 5 बड़े चम्मच मैंने देसी घी ले लिया है। तो आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें हैं जिनसे सॉफ्ट पराठा बनके तैयार होगा। तो अभी हम एक प्लेट ले लेंगे, प्लेट में जो हमने कद्दूकस किया था आलू उसको डाल देंगे सारा का सारा ही। और यहाँ पे जो मैंने मसाले लिए हैं वो मैंने स्पाइसी ही लिए हैं। तो आप देख सकते हैं हरी मिर्च मैंने ऐड कर दी है, अजवाइन ऐड कर दी है और अभी मैं ये धनिया भी ऐड कर रही हूँ और ये अमचूर पाउडर भी ऐड कर दूँगी और ये ज़ीरा और ये नमक भी। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये धनिया भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको एक बाउल में रख दूंगी। ये देखिए ये कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। तो मैं यहाँ पे तवा चढ़ा लूँगी, जब तक तवा हमारा गर्म होगा मैं यहाँ पे आटे से लोई बना लेती हूँ। लोई आप अपने हिसाब से मोटी या पतली कर सकते हैं। इस पराठे में एक चीज़ है कि आपका पराठा फटेगा नहीं, तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम लोई बना ली है जिसके मैं आपको 2 पराठे बना के दिखाऊंगी, एक गोल और एक तिकोना। तो यहाँ पे देखिए आप, मैं इसको बेल लूँगी रोटी की शेप में। नॉर्मली आपको इसी तरीके से बेलना है जैसे कि हम रोटी बनाते हैं। ये देखिए मैं अच्छे से इसको बेल लूँगी, मैंने बेल लिया है और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी मसाला। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फुल 1 चम्मच भर के और आधी चम्मच और मैं ले रही हूँ। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी पराठा लगता है खाने में। आप हाथों की मदद से इसको चारों तरफ से बंद कर दें। जब आप इस तरीके से कर लेंगे उसके बाद आप दोनों हाथों की मदद से इसको प्रेस कर दें। इससे क्या होगा, जो मसाला है और आटा है आपस में मिक्स हो जाएंगे। जब आप रोटी बेलोगे तो आपका ये पराठा फटेगा नहीं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट पराठा बनके तैयार होगा। मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर रही हूँ, आप देख सकते हैं पराठे को बेल लेंगे। ये देखिए मैं कुछ इस तरीके से इसको बेल लूँगी। ये थोड़ा सा मोटा पराठा है और इसमें मसाला ज़्यादा है, आटा कम है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से लगेगा। मैं इसको उठा के तवे पे डाल दूँगी और उसी के साथ साथ हम देख लेते हैं अपना दूसरा पराठा। तो मैं यहाँ पे इसको गोल रोटी की शेप में बेल लूँगी, ये देखिए। और इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं पराठा। तो यहाँ पर मैं लगाने वाली हूँ घी। घी लगाने के बाद आप इसको दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लें कम आंच में। इसमें आपको 2 से 3 मिनट आराम से लग जाएंगे सेकने में। अगर आप तेज़ आंच में करेंगे तो आपका पराठा जलने लग जाएगा और जो अंदर मसाला है, आटा है, वो अच्छे से पकेगा नहीं। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको कर रही हूँ। तो ये अच्छे से हो चुका है, इसको प्रेस कर दें और बीच में से कट लगा दें छोटा सा। तो इससे क्या होगा, आप अपनी थाली में पराठे को रख सकते हैं। तो ये बन चुका है,
मैं इसको रख दूंगी और यहाँ पे लगाएंगे घी दूसरे पराठे में। थोड़ा हल्का ही घी लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं, अगर ज़्यादा लगाएंगे तो पराठा बंद नहीं होगा। तो मैंने ये फोल्ड कर लिया है और इसमें हम 1.5 चम्मच अपना मसाला रखेंगे आलू का। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए। और इसको दोनों तरफ से आप इस तरीके से बंद कर लें समोसे की शेप में, तो ये इजीली बंद हो जाता है। और हाथों से प्रेस कर दें जैसा हमने फर्स्ट वाले पराठे में किया था। प्रेस करने के बाद आप आटा लगाएं और आराम से इसको बेल दें, जैसे कि हम रोटी बेलते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और मैं सारे ही पराठे इसी तरीके से बना लूँगी। हमारे घर में गोल खाना पसंद करते हैं, तो मैं सारे पराठे गोल ही बनाऊँगी। अगर आप चाहते हैं इससे ज़्यादा स्पाइसी खाना, वैसे तो ये स्पाइसी ही बना है, अगर आप इससे और ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसमें रेड मिर्ची ऐड कर सकते हैं, रेड चिली। तो मैंने ये दूसरा पराठा भी डाल दिया है इसमें। अभी हम पलट लेंगे और लगाएंगे घी, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और इस पराठे को भी तीनों तरफ से आप अच्छे से सेक लें, वही 2 से 3 मिनट लगेंगे कम आँच में। आप देख सकते हैं मैंने आँच कम की हुई है, ये देखिए। और गाइस ये बहुत ही टेस्टी पराठा लगता है खाने में, आप इसको घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपके घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उनको आप ये पराठा बना के ज़रूर खिलाएं, वो ज़रूर बोलेंगे कि बहुत अच्छा पराठा बना है। तो ये देखिए आप, मैंने कुछ इस तरीके से तीनों तरफ से इसको सेक लिया है। और इसको भी हम सेम जैसे हमने फर्स्ट पराठा निकाला था उसी तरीके से इसको निकाल लेंगे, ये देखिए। ये देखिए तो ये गर्मा गर्म पराठा बन के बिल्कुल तैयार है। मैं इसमें डालने वाली हूँ मक्खन। आप चाहें तो इसको म्योनी के साथ, केचप के साथ, देसी घी के साथ भी खा सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।